दरगाह आला हज़रत स्थित मरकज़ी दारुल इफ्ता में यूँ तो साल भर तक मज़हब और मिल्लत से जुड़े तमाम सवालात और फतवे आते हैं, जिनका ऑनलाइन या ऑन पेपर जो भी मसले होते हैं उसका उनको जवाब हुज़ूर ताजुल शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी मियाँ साहब देते हैं। इधर रमज़ान का मुबारक माह चल रहा है, इसमें देश विदेश से तमाम अकीदतमंद अपने तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं और उसका उनको माकूल जवाब शरीयत की रोशनी में दिया जा रहा है। एक अभी पिछले दिनों एक मसला आया था कि रोज़े की हालत में बशहबत किसी शख्स ने अपने बीवी के बोसा लिया तो क्या रोज़ा टूट जाएगा। हज़रत ने फरमाया कि अगर हालत रोज़ा में किसी शख्स ने अपनी बीवी के बोसा लिया तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसके अलावा एक मसला ये आया था सवाल कि रोज़े शुरू हुआ सहरी के बाद में मियाँ और बीवी हम बिस्तर हुए, इस हालत में रोज़ा टूट जाएगा। तो हज़रत ने फरमाया कि हाँ, इस हालत में रोज़ा टूट जाएगा और वो शख्स गुनाहगार होगा। उसके लिए लाजिम है कि वो कफ़ारा अदा करे, 60 दिन लगातार मुसलसल रोज़े रखे। इसके अलावा और भी बहुत से तमाम क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे रोज़े की हालत में अगरबत्ती का धुआं कान में गया, नाक में गया, तो उसे रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा। मुंह भर कै भर उल्टी आई, इस कंडीशन में रोज़ा जाता रहेगा या नहीं जाएगा। इसके अलावा कोई शख्स अगर तालाब में नहाता है और कान में पानी चला जाए तो उस कंडीशन में क्या। ऐसे बहुत से तमाम नमाज से, रोज़े से, ज़कात से जुड़े मसले आ रहे हैं, उनका उनको जवाब दिया जा रहा है।